Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now our next topic is modern periodic table. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम इसमें. सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर बेस्ड है. सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. तो जो भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो उनके एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड पीरियोडिक फंक्शन होता है. ठीक है. सो इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल हैविंग 7 हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड पीरियड्स एंड 18 वर्टिकल रोज ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड ग्रुप्स. सो एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर में अरेंज होते हैं. मतलब इस तरीके से अरेंज होते हैं कि सबसे पहले वो एटॉमिक नंबर होता है जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, उसके बाद ज्यादा एंड मूविंग ऑन फर्दर लाइक दिस वन. ठीक है. और ये अरेंजमेंट एक टेबल के फॉर्म में होती है जिसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जिनको हम पीरियड्स बोलते हैं और 18 वर्टिकल रोज होती हैं जिनको हम ग्रुप्स बोलते हैं. सो पीरियड्स एंड ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि पीरियड्स क्या है, उनके क्या प्रॉपर्टीज हैं एक पीरियोडिक टेबल में. सो देर आर 7 पीरियड्स ऑफ एलिमेंट्स. टोटल 7 पीरियड्स हैं एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. फर्स्ट पीरियड जो है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, इसीलिए उसको वेरी शॉर्ट पीरियड कहा जाता है. Second period has 8 elements, lithium to neon, called short period. Second period में total 8 elements हैं, lithium से लेकर neon तक, इसलिए उसको short period कहा जाता है. Third period has 8 elements, sodium to argon. It is also called short period. Third period में भी 8 ही elements हैं, sodium से लेकर argon तक, और इसको भी short period कहा जाता है. Fourth period has 18 elements from potassium to krypton called long period. Fourth period में क्या होता है, 18 elements है, इसमें elements बढ़ गए और starting element है इसका potassium और ending element है krypton, इसको long period कहा जाता है. Fifth period has 18 elements from rubidium to xenon called long period. Fifth period के अंदर भी 18 elements होते हैं इसलिए उसको भी एक long period कहा जाता है. सिक्स्थ पीरियड हैज 32 एलिमेंट्स फ्रॉम सीजियम टू रेडॉन कॉल्ड वेरी लॉन्ग पीरियड. अब सिक्स्थ पीरियड में एलिमेंट्स और बढ़ गए, 32 हो गए, इसको हम वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं. एंड सेवेंथ पीरियड हैज 28 एलिमेंट्स फ्रॉम फ्रांशियम टू एटॉमिक नंबर 114 कॉल्ड इनकम्प्लीट पीरियड. सेवेंथ पीरियड में 28 एलिमेंट्स हैं और ये पीरियड कंप्लीट नहीं है, सो इसलिए इसको हम इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं. 14 एलिमेंट्स ईच ऑफ द 6th एंड 7th पीरियड. 6th पीरियड में और 7th पीरियड में 14 एलिमेंट्स जो हैं दे आर प्लेस्ड सेपरेटली, उनको सेपरेटली प्लेस किया गया है एट द बॉटम ऑफ द टेबल. ठीक है, टेबल के एकदम नीचे उनको प्लेस किया गया. सो द 14 एलिमेंट्स ऑफ द 6th पीरियड From La to Lu are lanthanides. जो 6th period के 14 elements हैं उनको lanthanides कहा जाता है. And 14 elements of 7th period from Ac to Lr, that is actinium to laurentium, इनको actinides बोला जाता है. 6th वालों को lanthanides and 7th वालों को actinides बोला जाता है. और इनको periodic table के नीचे place किया गया इन 14 total 28 elements को. Talking about groups. अब groups क्या है? Periods के बारे में हमने देख लिया. Now groups. So there are 18 groups of elements divided into 9 main groups. Total 18 groups हैं, जिनको main 9 groups में divide किया गया है.
सो दे आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 0 ग्रुप्स. तो ये 9 ग्रुप्स हैं. द ग्रुप्स 1 to 7 हैज 2 सब ग्रुप्स ईच. 1 से लेकर 7 तक के जो ग्रुप्स हैं उन सब के दो दो सब ग्रुप्स हैं, जिनको ए सब ग्रुप एंड बी सब ग्रुप कहा जाता है. फाइन. ग्रुप 8 हैज 3 रोज ऑफ एलिमेंट्स एंड 0 ग्रुप हैज 1 रो ऑफ एलिमेंट्स. ग्रुप 8 में 3 रोज होती हैं और 0 ग्रुप में 1 रो होती है एलिमेंट्स. द ए सब ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स. ए सब ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है. बी सब ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. जो लेंथेनाइड्स हैं और एक्टिनाइड्स हैं उनको ऑल टुगेदर एक साथ अगर हम नाम लें तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है. ग्रुप 1A एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कली एलिमेंट्स. ग्रुप 1 के जो ए सब ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं उनको एल्कली मेटल्स बोला जाता है. ग्रुप 2A एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. जो ग्रुप 2 के ए सब ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं उनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है. ग्रुप 7A एलिमेंट्स आर कॉल्ड हैलोजन्स. 7A जो ग्रुप है हमारे पास उसको हम हैलोजन बोलते हैं, और जो 0 ग्रुप है उनको नोबल गैसेस बोला जाता है. इन अ ग्रुप ऑल द एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. एक ग्रुप के अंदर सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. फर्स्ट ग्रुप में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है. ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सेकंड में 2 होते हैं. ग्रुप 3 एलिमेंट्स हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. थर्ड में 3 होते हैं एंड सो ऑन. इन अ पीरियड ऑल एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल्स. जैसे एक ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं वैसे पीरियड के अंदर नंबर ऑफ शेल्स सेम होती है. सो दिस इज द लेआउट ऑफ अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. इसके अंदर जो भी चीजें हमने अभी पढ़ी यू कैन सी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास ग्रुप्स एंड पीरियड्स हैं. ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पीरियड्स हैं ये, और ये सब ग्रुप्स हैं. दीज आर द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स. ये एल्कली मेटल्स हैं. दीज आर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. दीज आर दी नोबल गैसेस. सो ये एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लेआउट है. इस तरीके से इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स इनको हमने प्लेस किया है. यू कैन सी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, उसके बाद हीलियम इज 2, लिथियम इज 3, बेरिलियम इज 4. अगर हम एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें सो ये जो हमारे पास ग्रुप्स हैं इतने ग्रुप्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब मेटल्स हैं, और पीछे के जो ग्रुप्स हैं उनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब नॉन मेटल्स हैं.